अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? आप सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको शलजम की सब्ज़ी बनाना सिखाएंगे। इसके लिए जिन अज्जा की ज़रूरत है उसमें शामिल हैं, सबसे पहले हम 3 पाव शलजम ले लेंगे और इसको बारीक काट लेंगे। तकरीबन 3 अदद प्याज ले लेंगे और इनको भी बारीक काट लेंगे। 5 से 6 अदद हरी मिर्चें, इनको भी बारीक काट लें। अदरक और थोम का पेस्ट बना लें। 7 से 8 अदद हमें सुरख मिर्चें चाहिए होंगी जो हम इस सब्ज़ी के बनाने में इस्तेमाल करेंगे। 2 अदद टमाटर ले लें और इसको भी बारीक काट लें। तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल हम सब्ज़ी बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून हल्दी हम इस्तेमाल करेंगे। आई नाज़रीन, हम आपको अब सब्ज़ी बनाने का तरीका सिखाते हैं। सबसे पहले हम देगची में कुकिंग ऑयल डालेंगे। थोड़ा गर्म होने दें। अभी हम इसमें प्याज डाल देंगे, हमारा तेल गर्म हो चुका है। प्याज को नरम होने तक फ्राई करें। प्याज तकरीबन तैयार हो चुके हैं। जब प्याज नरम हो जाएं, इसके बाद हम इसमें अदरक और थोम का पेस्ट डालेंगे और तकरीबन 1 मिनट तक इसको भूनेंगे। जब अदरक और थोम अच्छी तरह फ्राई हो जाएं और आपस में मिक्स हो जाएं, तो इसके बाद हम इसमें तकरीबन 5 से 6 अदद लाल मिर्चें डालेंगे। थोड़ा सा मिक्स कर लें। इसके बाद साथ ही हम इसमें शलजम डालने लगे हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लें।
शलजम को हमने अच्छी तरह भून लिया है। अभी इसमें सब्ज़ मिर्चें, नमक, थोड़ा सा पानी, हल्दी और लाल मिर्च डालेंगे। मिक्स कर लें। थोड़ा सा पानी इसमें हम डालते हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको ढांप के रख दें। तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट हल्की आंच पर पकाएं ताकि शलजम नरम हो जाए। जी दोस्तों, शलजम की सब्जी तैयार हो चुकी है।